दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है इस नए वीडियो में आपका। दोस्तों सफलता के बारे में अक्सर ये बात कही जाती है कि सक्सेस इज 80% माइंडसेट एंड 20% मैकेनिक्स। इसका मतलब ये होता है कि सफलता जो है वो 80% आपके माइंडसेट पर निर्भर करती है, यानी आप जो सोचते हैं उस पर निर्भर करती है, और 20% यानी 20% जो आप करते हैं उस पर निर्भर करती है। इसीलिए यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को आपको बदलनी होगी। और एक विनर और एक लूजर, यानी कि एक सफल और एक असफल व्यक्ति में जो डिफरेंशिएट करती है, जो अंतर दोनों के बीच है, वो है उसके माइंडसेट का। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होना। तो यदि आप भी एक लीडर की तरह, एक सफल नेता की तरह अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल लीडरशिप कोच हूं। और मेरा मिशन है राजनीति में 1,00,000 ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सके। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं 8 ऐसे आसान तरीके जिससे आप भी अपने आप को एक आत्मविश्वास के साथ एक सफल लीडर के रूप में डेवलप कर सकते हैं और अपने आप को आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति बना सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो आने वाले हैं उन्हें आप कभी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बात कर रहे हैं 8 ऐसे टिप्स के बारे में, 8 ऐसे तरीके जिससे आप भी अपने आप को आत्मविश्वास से भर सकते हैं। तो जो सबसे पहला तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, अपनी चाल को बदलना। जी हाँ, जब भी आप चलें आपको अपनी चाल में थोड़ी बदलाव लानी पड़ेगी। और कैसा चलना होगा? 25% फास्टर। यानी जब हम तेज चलते हैं तो अपने आप हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है। कैसे, यदि आपका सवाल है, तो अक्सर यह कहा जाता है कि मोशन क्रिएट्स इमोशन। यानी कि जब हम मोशन में होते हैं, जब हम गतिमान होते हैं, तो उससे हमारे शरीर में इमोशंस पैदा होते हैं और इमोशंस ही हमें सहारा देते हैं, इमोशंस ही हमें मदद करते हैं एक्शन लेने के लिए। यानी कि कुछ करने के लिए जो हमारा डिसीजन होता है वो इमोशन के थ्रू आता है। इसीलिए अगर हमें कोई भी चीज करनी है तो उसके लिए हमें इमोशन चाहिए, और इमोशन क्रिएट होती है मोशन से। तो यदि आपने कभी शेर को चलते हुए देखा होगा तो हमेशा आपने देखा होगा कि शेर जो है बहुत आत्मविश्वास के साथ चलता है। इसीलिए आपको भी एक शेर की तरह, एक लीडर की तरह चलने का प्रैक्टिस करना होगा। इसीलिए जब भी आप चलें, आपका शोल्डर, आपका कंधा पीछे की तरफ होना चाहिए, आपका सिर ऊपर की तरह होना चाहिए और आपकी चाल थोड़ी रफ्तार भरी होनी चाहिए। यानी जिस नॉर्मल स्पीड से आप चलते हैं उससे 25% ज़्यादा स्पीड से अगर आप चलेंगे तो ये आपकी बॉडी में इमोशन पैदा करेगा और वो इमोशन आपको आत्मविश्वास से भर देगा। तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आएंगे, ज़्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आएंगे। तो ये हो गई पहली बात, थोड़ी स्पीड से चलने की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। दूसरा जो टिप है वो है, जब भी आप बातचीत करें तो बातचीत की स्पीड थोड़ी स्लो रखिए। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जिन लोगों को ये डर होता है कि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी या लोग हमें क्यों सुनेंगे, वो अपनी बात को बहुत तेजी के साथ बोलते हैं, जिससे कि ये झलकता है कि इनके अंदर आत्मविश्वास कम है। यदि आप आत्मविश्वास से भरपूर लोगों को देखेंगे तो अपनी बात को थोड़ी स्लोअर स्पीड में बोलते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। तो जब भी आप बातचीत करें तो थोड़ी स्पीड को आप स्लो रखिए, पॉज लीजिए, बीच बीच में ब्रेक दीजिए और फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते रहिए। तो ज़्यादा तेज गति से बोलने के बजाय स्लोली, थोड़ी धीमी गति से अपनी बात को रखने की प्रैक्टिस शुरू कीजिए और देखिए कि कैसे आप आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आएंगे। तो आपकी बातचीत में जो पॉजेज हैं, जो बीच में छोटा ब्रेक होता है, वो बहुत ही पावरफुल माध्यम है ये दिखाने के लिए कि आप कितने आत्मविश्वास के साथ भरे हुए हैं। तो इसकी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जब भी आप बोलें थोड़ी धीमी गति से बोलें, तो देखिए किस तरीके से आपके आत्मविश्वास में परिवर्तन आता है। ये हो गई दूसरी बात। तीसरा जो टिप्स है वो है, हमेशा छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उन्हें पूरा करिए। देखिए, हम जीवन में बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं कि हमें क्या बनना है, हमें कहाँ पहुँचना है, हम किस स्टेटस पे पहुंचना चाहते हैं, हम अपना भविष्य कैसे देखते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी हासिल हम नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो माइंडसेट है उसको आपको मोटिवेट करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए। और ये लक्ष्य इतने छोटे भी हो सकते हैं कि जैसे सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना,
अपने घर के ड्राइंग रूम में आपका सोफा ठीक करना, आप जिस टेबल पे काम करते हैं उस टेबल को ठीक तरीके से जमा कर रखना। तो ये छोटे छोटे गोल्स आप सेट कीजिए रोज का और इस गोल को अचीव करिए। इससे आप ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं और आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस पैदा होती है, पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है जो आपको आत्मविश्वास के साथ भर देती है। तो ये छोटे छोटे गोल्स अगर आप अचीव करेंगे, छोटे छोटे लक्ष्य अपने लिए निर्धारित करेंगे कि छोटा जो काम है उसको जाकर पूरा करिए, तो आपके अंदर उस बड़े गोल को अचीव करने के लिए भी कॉन्फिडेंस पैदा होता है और आप अपने आप को ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ भर सकते हैं। कहा जाता है कि हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। तो जिस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ों को करते हैं वो दिखाता है कि आप बड़ी चीज़ों को किस तरीके से करने वाले हैं। इसीलिए उन छोटे छोटे लक्ष्य को हासिल कीजिए, छोटे छोटे लक्ष्य अपने लिए बनाइए दिन भर में, और उन लक्ष्य को हासिल करके आप धीरे धीरे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस पैदा हो सकता है और फिर आप ज़्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए अपने आप को महसूस कर सकते हैं। तो ये हो गई तीसरी टिप। चौथा जो टिप है ये है ड्रेस नाइसली, यानी अच्छी वेशभूषा पहनिए, अपने लिए अच्छे ड्रेसेस की खरीदिए और अच्छे ड्रेसेस पहनकर ही आप बाहर निकलिए। देखिए कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, कहीं पर हमें जाना होता है, तो सबसे पहले चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो अपने ड्रेस के बारे में होती है कि हम क्या पहनकर वहाँ जाएंगे। और ये बिल्कुल सही चीज़ है क्योंकि ये काफ़ी इफेक्ट करते हैं आपके मोटिवेशन को और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को। इसीलिए जब भी आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, अच्छे दिखते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है और वही कॉन्फिडेंस आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करता है कि आप भी किसी से कम नहीं है। तो हालांकि ये बहुत छोटी सी चीज़ है जो आप रोज फॉलो करते होंगे, लेकिन इसको भी अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाइए। ड्रेस नाइसली, अच्छे ड्रेसेस पहनिए, अच्छे कपड़े पहनिए, ताकि आप लोगों को इम्प्रेस कर सकें, ताकि आप अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कर सकें और अपने आप को ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ भर सकें। तो ये भी एक तरीका है अपना आत्मविश्वास बढ़ाने का। तो ये हो गई चौथी बात। पांचवा जो तरीका है आत्मविश्वास बढ़ाने का वो है अपना ज्ञान बढ़ाना, यानी कि अपने आप को नॉलेज के साथ एम्पावर करना। देखिए ज्ञान से ज़्यादा एम्पावरमेंट शायद आपको और किसी चीज़ से फील ना हो, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि रोज़ आप कुछ नई चीज़ें पढ़ें। पढ़ने की आदत जो है आपको एक अलग ही लेवल पे पहुंचा सकती है और जो आपका आत्मविश्वास कई तरीक़ों से बढ़ाती है। इसीलिए रोज़ कम से कम 20 मिनट या 10 पेज कम से कम पढ़ने की आप आदत डालिए। अच्छे बुक्स पढ़िए, अच्छे मटेरियल पढ़िए, अच्छे आर्टिकल्स पढ़िए। आप किताब पढ़ सकते हैं तो किताब पढ़िए, नहीं पढ़ सकते हैं तो इंटरनेट से, मोबाइल पे या अपने कंप्यूटर पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ें पढ़िए जिससे आप कोई नया ज्ञान रोज़ अर्जित कर सकें। आपको ये लगे कि आज मैंने ये नई चीज़ें सीखी हैं, तो नया सीखना, नया ज्ञान अर्जित करना ये भी आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है। और एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी चाहिए कि ज्ञान जो है कभी अपने पास रखने की नहीं होती है, इसीलिए आपको ज्ञान को बांटना भी है। तो कोई भी चीज़ जो आपने सीखी है उसे ज़रूर दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। और सबसे अच्छी चीज़ होती है लर्न डू एंड टीच, यानी सिर्फ लोगों को बताने से नहीं आपका काम बनता है। आप पहले चीज़ों को सीखिए, उसे खुद अपने जीवन में करके देखिए और फिर लोगों को उसके बारे में बताएंगे। तो ये लर्न डू और टीच का जो गोल्डन ट्रायंगल है ये भी आपके अंदर एक बहुत आत्मविश्वास पैदा करने में आपकी मदद कर सकता है। इसीलिए रोज़ नया ज्ञान लीजिए, रोज़ नया सीखने की कोशिश कीजिए और ये भी आपके आत्मविश्वास को काफ़ी हद तक बढ़ा सकता है। तो ये हो गई पांचवी बात। छठवीं जो चीज़ है वो है हमेशा अगर आप किसी मीटिंग में जाए, किसी कार्यक्रम में जाए, तो आगे की सीट पे बैठने की कोशिश करिए। जी हाँ, बहुत जगह आपने देखा होगा जब भी किसी मीटिंग में, किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो पीछे की सीट जो है वो जल्दी भरनी शुरू होती है और आगे की सीट खाली होती है। इसका कारण यह है कि लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, इसलिए वो पीछे की तरफ बैठते हैं क्योंकि वो फेस नहीं कर सकते उस सिचुएशन को, और खासकर सामने बैठने के लिए उनके अंदर उतना आत्मविश्वास नहीं होता और इसीलिए वो पीछे की तरफ बैठना पसंद करते हैं। तो यदि आप लीडर बनना चाहते हैं, यदि आप सफल होना चाहते हैं, यदि आप आत्मविश्वास हासिल करना चाहते हैं, तो किसी भी मीटिंग में जाएं, किसी भी कार्यक्रम में जाएं, हमेशा आगे की सीट की तरफ बैठने की प्रैक्टिस अभी से शुरू कीजिए। तो ये भी एक तरीका है अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। देखिए जिस चीज़ से आप डरते हैं उसी चीज़ को करना सबसे ज़रूरी है उस डर को ख़त्म करने के लिए। तो ये भी एक
छोटा आसान लेकिन बहुत पावरफुल तरीका है अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, अगले बार जब भी किसी मीटिंग में जाएं, किसी कार्यक्रम में जाएं, किसी कॉन्फ्रेंस में जाएं, किसी सेमिनार में जाएं, तो हमेशा आगे की तरफ जो सीट है वहां बैठने के लिए आप तैयार रहिए। तो ये हो गया आपका छठवां तरीका। सातवां तरीका जो है वो है लोगों से आई कॉन्टेक्ट बनाकर बातचीत करने का, आई कॉन्टेक्ट बनाकर कम्युनिकेशन करने का। देखिए, आपका जो फेस है, आपका जो आई कॉन्टेक्ट है, ये भी आपका आत्मविश्वास दिखाता है। यदि आप आत्मविश्वास के साथ बात करते हैं तो लोगों के आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, उनके सामने एक चेहरे पर स्माइल होती है आपकी, और इस आई कॉन्टेक्ट से ही आप एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं जिनसे भी आप बात कर रहे हैं, और सामने वाला भी समझ जाता है कि आप आत्मविश्वास से भरे हो। इसीलिए जब भी आप किसी से बात करें तो घूरना और आई कॉन्टेक्ट दोनों के बीच एक डिफरेंस होता है, तो हमें घूरना नहीं है, हमें लोगों के साथ आंखों में आंखें डालकर बात करने की जो कला है, जो हैबिट है, वो सीखनी चाहिए। तो अगले बार जब भी आप किसी से बात करें, चाहे अपने परिवार में, चाहे अपने दोस्तों के बीच, चाहे और भी लोगों के साथ, तो हमेशा आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करिए, और इससे देखेंगे कि किस तरीके से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो ये हो गई सातवीं बात। आठवीं जो बात है वो है हर जगह कुछ ना कुछ बोलने की प्रैक्टिस करना, या हर जगह बोलने का मौका ढूंढना। तो जब भी आप किसी मीटिंग पे जाए जहां आप वक्ता नहीं है, यदि आप श्रोता में है, तो कोशिश कीजिए कि कुछ ऐसी बात जगह जहां आपको मिले कुछ बोलने के लिए, वहां अपनी बात जरूर रखिए, अच्छे सुझाव दीजिए, अच्छे कमेंट दीजिए, अच्छे फीडबैक दीजिए, और भी जो लोग उस मीटिंग में आए हों, कार्यक्रम में आए हों, या किसी भी प्रोग्राम में आए हों, तो दूसरे जो लोग हैं उनके साथ भी आप नेटवर्किंग कीजिए, बातचीत कीजिए, और नए लोगों से मिलना, नई जगह पर अपनी बात रखना, पब्लिक के बीच अपनी बात रखना, लोगों के बीच अपनी बात रखना, ये भी आपका आत्मविश्वास बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है। तो जिस किसी कार्यक्रम में जाएं, यदि आप वक्ता हैं तब तो आप बोलेंगे, जहां वक्ता नहीं है, श्रोता हैं, आप एक ऑडियंस की तरह हैं, वहां भी अगर मौका मिले सवाल पूछने का तो ज़रूर सवाल पूछिए, कमेंट करने का मौका मिलता है ज़रूर कमेंट कीजिए, और जब भी समय मिले तो जो नए लोग हैं उनके साथ नेटवर्किंग कीजिए। तो नए लोगों से आप जब बातचीत करेंगे, या नए लोगों के सामने जब आप बातचीत करेंगे, तो देखेंगे किस तरह आपका आत्मविश्वास बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये हो गया आठवां तरीका अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, ये वो आठ तरीके थे जिससे आप भी बहुत आसानी के साथ अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, एक लीडर की तरह अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, एक सफल नेता की तरह अपने आप को आत्मविश्वास से भर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर जरूर बताएं कि इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, और भविष्य में आप कौन से वीडियोस देखना चाहेंगे। यदि ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसी बातों के लिए आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे VIP फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियोस हैं, लीडरशिप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपना नाम एक सफल लीडर के रूप में बनाने की कोशिश करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।